फ्रेंड्स, मैं दीपांशु भारती अपने चैनल टेक्स सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए अभी इस टाइम में बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पोकेमॉन गो से रिलेटेड है, जो कि इंडिया में बहुत चल रहा है। और तो मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि जैसे कि आप जानते हैं, पोकेमॉन गो बहुत ही पॉपुलर चल रहा है अभी, और इसके वजह से बहुत सारी जानें भी जा चुकी है, बहुत सारे बंदे मर भी चुके हैं इस वजह से। तो इस वजह से इंडिया में इसे बैन कर दिया गया है, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते आप। तो आज की इस ट्रिक में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से प्ले स्टोर से पोकेमॉन गो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पोकेमॉन गो के अलावा भी आपको कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करना जो कि इंडिया में प्ले स्टोर से अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाते हैं और कोई ऐप ऐसा सेलेक्ट करते हैं और उस पर लिखा हुआ था कि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इस ट्रिक से आप वो भी कर सकते हैं, उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो अंत तक। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप जो इंडिया में बैंड ऐप है उसको किस तरह से आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा पूरे वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो अंत तक। तो चलिए दोस्तों आज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको अब दिखाऊंगा किस तरह से हम यहाँ पे पोकेमॉन गो हम प्ले स्टोर से इंडिया में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ प्ले स्टोर में अभी दिखा रहा है दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा अपने इंडिया में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है टनल बियर ऐप है, ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टनल बियर VPN। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते आपने कि मैं सर्च कर चुका हूँ और यहाँ पे सबसे ऊपर जो आ रहा है टनल बियर VPN, तो इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। पर मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी। तो मैंने आईडी क्रिएट कर लिया पहले से यहाँ पे, ये मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड अपना एंटर कर चुका हूँ और आईडी पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। मैंने पहले से आईडी अपना एक क्रिएट कर लिया था इसलिए मैं डायरेक्ट आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। वैसे आप जब यह ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मैप आ रहा है और मैप में आपका इंडिया शो कर रहा है कि इंडिया में है। ये जो VPN हमारा जो लोकेशन है वो इंडिया का है, तो हमें ये लोकेशन चेंज करना है तो हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से पोकेमॉन गो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसे और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ जापान लिखा हुआ है, जापान नीचे लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा वो जगह है जहाँ से हम किसी भी कंट्री का ये कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ का हमें नेट चलाना है, जैसे कि जापान का चलाना है या कनाडा का चलाना है या फिर इटली का चलाना है। तो अभी तो जापान पे सेलेक्टेड है तो ये जापान से चलेगा। मैं यहाँ US का कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। अब आप देख सकते हैं मैप में ये यूनाइटेड स्टेट पे चला जाएगा थोड़ी देर में। ये अब आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट पे आ चुका है। और अभी कनेक्टिंग हो रहा है, जब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कनेक्टेड यहाँ पे लिखा आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे अपना डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लग रहा है कनेक्ट होने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड का यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि कनेक्टेड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस ऐप को बंद कर देना। अब
इस ऐप को बंद करने के बाद हमें अपना सेटिंग ओपन करना है। यहाँ पे मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स ओपन करना है, जो हमारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं वो ऐप, और यहाँ पे ऑल में जाना है। ऑल में जाने के बाद हमें ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ इसका क्लियर कैचे कर देना है, इसका जो कैचे ये क्लियर कर देना है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लियर कैचे, और फोर्स स्टॉप भी करना है। फोर्स स्टॉप कर दिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ब्राउज़र ओपन करना है अपना, जो सा भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उसी ब्राउज़र या फिर गूगल क्रोम जो भी यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पे यू यूनिवर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गूगल ओपन हुआ है वो यूएस का हुआ है। ये जो गूगल है ये यूएस का ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज भी अलग अलग है। तो यहाँ पे अब हमें सर्च करना है डाउनलोड पोकेमोन गो, पोकेमोन गो फ्रॉम प्ले स्टोर। और हमें इतना लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर पे पोकेमोन आ गया। यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और अब ये पूछ रहा है प्ले स्टोर के साथ ओपन करना है या नहीं करना है। तो मैंने प्ले स्टोर के साथ ओपन किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा पोकेमोन गो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। पहले मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। आप इस पर सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने लोग ये देख सकते हैं आप इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने, अब ये डाउनलोडिंग होने लगा है। तो दोस्तों अभी मेरा डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है, इसलिए डाउनलोडिंग होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, और जब ये 99% या 100% होने वाला हो गया जब मैं वहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये डाउनलोड हो चुका होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि उस समय डाउनलोड हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, स्टॉप कर दिया था वीडियोस, और मैंने बोला था जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा जब मैं वहां से वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा डाउनलोड हो चुका है, और यहां पे पोकेमोन गो ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप पोकेमोन गो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों अगर कभी कभी आप जो टैडी वीपीएन जो था वीपीएन वाला ऐप मैंने डाउनलोड करने आपको बताया था, उस पर कभी कभी यूनाइटेड स्टेट या जापान आप जो लोकेशन सेलेक्ट करोगे उस लोकेशन पे कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है, डाउनलोड आपका स्टॉप हो सकता है। तो अपने हिसाब से प्रॉब्लम आप देख के सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लोकेशन अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर ले, जो जिसको जिस पर आपको लगे कि ज़्यादा अच्छा नेट चलेगा या फिर ज़्यादा अच्छा अवेलेबल होगा उस पर सेलेक्ट करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा था अभी मैंने सेलेक्ट किया था, तो बट पूरा डाउनलोड हो गया, पर कभी कभी प्रॉब्लम भी आ रहा था, बीच में रुक जा रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोकेमोन गो ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ अपना। और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और साइन इन भी कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
और ये लगता है साइन इन हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आप किसी पोकेमोन ऐप को या फिर किसी भी ऐप को इंडिया में जो अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर से वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसी ट्रिक को यूज़ करके आप कोई सा भी ऐप जो इंडिया में डाउनलोड नहीं हो रहा वो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर पोकेमोन को किस तरह से आप पोकेमोन को घर में बैठ के खेल सकते हैं, जैसे ये पोकेमोन गेम है तो इसे आपको बाहर घूम के जहाँ जहाँ पोकेमोन पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा बाहर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक वीडियो जिस पर कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप इसे घर में बैठ के खेल सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आपने और मेन बात दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक सॉल्यूशन चैनल जो है ये अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे टेक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं हफ्ते में लगभग एक दो वीडियो लाता ही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि उस समय डाउनलोड हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, स्टॉप कर दिया था वीडियोस, और मैंने बोला था जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा जब मैं वहां से वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा डाउनलोड हो चुका है, और यहां पे पोकेमोन गो ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप पोकेमोन गो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों अगर कभी कभी आप जो टैडी वीपीएन जो था वीपीएन वाला ऐप मैंने डाउनलोड करने आपको बताया था उस पर कभी कभी यूनाइटेड स्टेट या जापान आप जो लोकेशन सेलेक्ट करोगे उस लोकेशन पे कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है, डाउनलोड आपका स्टॉप हो सकता है। तो अपने हिसाब से प्रॉब्लम आप देख के सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लोकेशन अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर ले, जो जिसको जिस पर आपको लगे कि ज़्यादा अच्छा नेट चलेगा या फिर ज़्यादा अच्छा अवेलेबल होगा उस पर सेलेक्ट करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मैंने सेलेक्ट किया था तो बट पूरा डाउनलोड हो गया, पर कभी कभी प्रॉब्लम भी आ रहा था, बीच में रुक जा रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोकेमोन गो ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ अपना। और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और साइन इन भी कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर ले रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये लगता है साइन इन हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आप किसी पोकेमोन ऐप को या फिर किसी भी ऐप को इंडिया में जो अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर से वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसी ट्रिक को यूज़ करके आप कोई सा भी ऐप जो इंडिया में डाउनलोड नहीं हो रहा वो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर पोकेमोन को किस तरह से आप पोकेमोन को घर में बैठ के खेल सकते हैं, जैसे ये पोकेमोन गेम है तो इसे आपको बाहर घूम के जहाँ जहाँ पोकेमोन पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा बाहर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक वीडियो जिस पर कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप इसे घर में बैठ के खेल सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आपने और मेन बात दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक सॉल्यूशन चैनल जो है ये अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे टेक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं हफ्ते में लगभग एक दो वीडियो लाता ही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो जाए।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।